फीमेल हैं और आप फीमेल हैं और आपको पकाना भी है, बाय भी करना है बाकायदा, कि आपके पास कन्वेंस भी नहीं और आपने खुद बाइक पे सारा अरेंज करना है। बाजी दाल चावल, मेरा नाम कोई नहीं जानता, मुझे बाजी के नाम से ही जानता। बाजी दाल चावल, मैं रेस्टोरेंट नहीं बना सकती, लेकिन अगर अल्लाह पाक मुझे दे तो मैं एक ब्रांच को चार ब्रांचों में तब्दील कर सकती। ये नहीं किसी की मदद करने के लिए आया, नहीं, जायका बहुत अच्छा है इसलिए आया बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहलीम। तो आज हमारी मंजिल है मिलेनियम मॉल, और मिलेनियम मॉल के सामने है जी चिंग चिंग रिक्शा स्टैंड, और यहाँ पर आपको बड़े ही मज़े का घर का सालन मिलता है, ख़ास तौर पे जो बाजी दाल चावल के नाम से मशहूर है। खातून यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दाल चावल फरोख्त करती है, और उनकी बहुत हाथों में, कहते हैं ना जादू है, तो बड़ा ही हाथों में जादू है, जिसकी वजह से लोग बड़े दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। एक तो कीमत रेट बड़े मुनासिब है, उसके बाद जायका मिलता है, तो लोग बड़े ही मुतासर होते हैं। और आगे हमें कमेंट्स में ये बात कर रहे थे कि आपने अभी तक बाजी दाल चावल के दाल चावल क्यों नहीं बनाया, तो हमने सोचा क्यों ना आज यहाँ पर आया जाए और इनको ज़रा हौसला अफजाई भी की जाए, उसके साथ साथ यहाँ पर खा कर रिव्यू भी दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर बेशतर के लोग हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है मगर उनके खानों में शायद इतनी जान नहीं होती। तो हम खाना भी खाएंगे, रिव्यू भी देंगे और असल रिव्यू देंगे आपको, लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर आकर खाते हैं, उनको जायका कितना क्यों पसंद है, और जिन्होंने ये काम शुरू किया है नाज़िया, कि उनकी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई, हमारे साथ रहिएगा। बेलम नाज़िया है, निक नेम तुबा मलिक है, लोग मुझे जानते हैं तुबा मलिक के नाम से। अच्छा भाई, तो भाई हम इस वक्त नाज़िया यानी उर्फ तुबा मलिक के साथ मौजूद है, कैसी है नाज़िया आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। माशाल्लाह, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कब से आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया और क्या क्या होता खाने में? सर मुझे 1 मंथ हो गए यहाँ स्टॉल लगाया है, खाने में तकरीबन घर की सारी आइटम्स होती हैं, वेजिटेबल्स है, फिर आपकी दाल है, चना है, दाल चावल है, बीफ की सारी डिशेज़ होती हैं, मेन्यू चेंज कर करके बनाते हैं। हफ्ते भर में मेन्यू चेंज होता रहता है जी, तो आज क्या क्या मेन्यू में है? आज आलू कोफ्ते हैं और दाल चावल है। दाल चावल है, मतलब आज हफ्ते के दिन, हफ्ते और छुट्टी होती है, बंद होता है संडे वाले दिन, संडे दिन ऑफ होता है। क्या टाइमिंग होती है, किस वक्त आती है? सर वैसे तो 9 to 6 PM मैंने रखा है, लेकिन ये कि थोड़ा आने में शाह फैसल से आती हूँ थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, तो 10 बज जाते हैं, बाकी ये कि लंच 3-4 बजे तक खत्म हो जाता है माशाल्लाह। और घर का खाना बना हुआ, आइडिया किस तरीके से आया और ये इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? पर बेसिकली सर मेरा रेस्टोरेंट से मेरा ताल्लुक है, और मैं जॉब करती थी बहुत अच्छे लेवल पे एज अ बिंगा मैनेजर, मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा में रह चुकी हूँ, पिज़्ज़ा मैक्स के हेड ऑफिस में इवेंट मैनेजर रह चुकी हूँ, मार्केटिंग डिपार्ट में भी रह चुकी हूँ। बेसिकली सैलरी भी कम होती थी और टाइमिंग बहुत ज़्यादा, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा एक बेटा है 8 साल का जो हाफ़िज़े कुरान बन रहा है, माशाल्लाह। तो टाइमिंग का थोड़ा इशू था, कुछ सैलरी, कुछ महंगाई आप देख रहे हैं जिस बहुत तरह से, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे साथ जो कि मैं रेस्टोरेंट नहीं बना सकती, लेकिन अगर अल्लाह पाक मुझे दे तो मैं एक ब्रांच को 4 ब्रांचों में तब्दील कर सकती हूँ, इतना अल्हम्दुलिल्लाह है कि टैलेंट में कर सकती हूँ। आपका टैलेंट दिख रहा है, देखे अमूमन शुरुआत हमेशा आप तिनके से ही करते हो, और ऐसा ऐसा वो कहते हैं ना पूरा आपकी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है, यानी आपने शुरुआत की माशाल्लाह पहले 1 साल से किया होगा, अब बहुत सारे सालन आ गए होंगे, इसी तरीके से आप जो फूड कार्ड है बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह, रेस्टोरेंट में तब्दील होगा। लेकिन सर ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, आप कहते हैं कि ये आपने स्टार्ट किया है ये रेस्टोरेंट बन जाएगा, लेकिन आप फीमेल हैं और आप फीमेल हैं और आपको पकाना भी है, बाय भी करना है बाकायदा, कि आपके पास कन्वेंस भी नहीं और आपने खुद बाइक पे सारा अरेंज करना है, तो हाउ टू मैनेज, कैसे? ये पीछे जो बाइक खड़ी इसकी बात कर रही है? ये मेरी बाइक है। तो आप चला कर आती हैं? जी चला कर आती हूँ, बाकायदा सारा सामान इसके अंदर रख के लेकर आती हूँ। आप सोचिए ट्रैफिक में, कराची की ट्रैफिक में आप खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप सामान के साथ कैसे करेंगे? आपकी हिम्मत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, उसकी वजह ये नाज़िया देखे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मैं आपको बता दूँ कि आप ना एक तरीके से रोल मॉडल हैं, इसकी वजह क्या, आप अपनी मुश्किल जरूर बता रही, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रही, जो सबसे अच्छी बात ये है। और जो दूसरे लोग हैं ना, तो छोटी छोटी बातों में दिल हार जाते हैं या काम नहीं करना, तो या आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो आज आपने दाल बनाई है, दाल की प्लेट कितने की है, कितने से खाना शुरू होता है? सर मेरे पास मैं इस तरह से अमाउंट है, रेट ऐसे हैं कि एक लेबर भी खा सकती है इजीली, और जो है नॉर्मल जो आप जनरेटरी आती है वो भी खा सकती है, जैसे 50 to 100 रुपीज़ के हैं बस। प्योरली घर का खाना बनता है, घर वाली अम्मी वाला खाना है, अम्मी वाला। और आपका एक और नाम है, क्या नाम है? बाजी दाल चावल। बाजी दाल चावल, मेरा नाम कोई नहीं जानता, मुझे बाजी के नाम से ही जानता। बाजी दाल चावल, अच्छा दाल चावल रोजाना होता है, यानी आपकी स्पेशलिटी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो दाल चावल है। चले जी आप खाते हैं और खाकर बात करते हैं, फिर रिव्यू देते हैं, फिर अपना खाकर भी, तो हमारे साथ रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। सुना था यहाँ पे ना सही, तो यहाँ आए और बड़ा अच्छा टेस्ट है, अभी मैंने तो 2-3 नवाले लिए,
मजा आ गया, टेस्ट बहुत अच्छा है। घर वाला है? घर वाला है। भाभी की टक्कर वाला है या नहीं? तकरीबन इनकी टक्कर गई है। जबरदस्त। बच्चे भी आए, पूरी फैमिली आई, बच्चे भी आए और स्पेशली ये फरमाइश की है कि यहाँ पे चले। जबरदस्त। कोफ्ते भी बहुत अच्छे, वो खाइएगा, रिकमेंड करूंगा। वो भी खाएंगे इंशाल्लाह, ये बस फर्स्ट चांस है। क्या नाम है आपका? आसिया है। आसिया नाम है। आसिया, ये बताओ कि घर के दाल चावल खा रही हो आप, कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। आंटी अच्छा बनाती है या मम्मी अच्छा खाना बनाती है? कौन अच्छा बनाता है? ओ बच्ची फंस गई, मम्मी अच्छा बनाती है। आपको कैसे लगे दाल चावल? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लगे जी। आपने फरमाइश करके आए हो ना यहाँ पर खाने के लिए? क्या कहा पापा को यहाँ पर लेकर आए? दाल चावल खाने चलते आंटी के खाने हैं। चलो जबरदस्त, मजा आया। बहुत मजा आया। घर वाला फील आ रहा है आपको? जी बहुत। चलो जबरदस्त जबरदस्त। ये भाई साहब है, इनका बारे में सुना, ये रोजाना आते हैं। तो भाई साहब आप रोजाना आते हैं यहाँ पर माशाल्लाह? जी हाँ, मैं रोजाना खाता हूँ यहाँ पर। रोजाना दाल चावल पसंद आते हैं आपको यहाँ पे? सुबह रोजाना दाल चावल ही खाता हूँ बाजी के साथ। चलो जबरदस्त, ये अच्छी बात है। मतलब आपको फुल जायका लग गया यहाँ का है? माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाते हैं, साफ सुथरे तरीके से बनता है। इसका सालन भी बहुत अच्छा है, रोटी भी दाल बहुत अच्छी, हर चीज़ अच्छी है और रेट बड़े मुनासिब है। जी हाँ, रेट बिल्कुल कम है। 100 रुपए में अगर आप बड़ी प्लेट लो तो पेट भर जाता है आराम से। जी हाँ, 100 रुपए। और इतनी महंगाई में अगर आपको 100 रुपए में अच्छा दाल चावल मिल जाए, क्या बात है। कहीं और जाते हैं कम से कम 120-140 150 तक आ जाता है, जायका वैसा नहीं मिलता। नहीं मिलता है। चलो माशाल्लाह बहुत। चलो आप खाए, मैं आपको तंग नहीं करते, तो आप बस हम भी बनवाते हैं, हमने भी ऑर्डर देते हैं और फिर बातचीत करते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी नाश्ता किया थोड़ी देर पहले ही बस, तो इसलिए आप सोच रहे हैं बस ये अब दाल का तड़का लग गया ऊपर से। तो ये वो हमारे घर में जो टिपिकली दाल बनती है मूंग मसूर की, वही है ये। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, ये आखिर में थोड़ा सा तड़का लगता है जी, ये अचार का। वाह जी वाह। और ये थोड़ा सा सलाद, सैलेड में प्याज, और ये पापड़ी। जबरदस्त बेहतरीन। देखिए भाई, तो हम पहले दाल चावल खाएंगे और उसके बाद जो कोफ्ता बना है, साइड डिश बनी हुई, वो भी खाते हैं ज़रा पहले ये चख लें। लेकिन बना हुआ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से देखें। और वो कहते हैं ना कि उन्होंने मुख्तलिफ अच्छे रेस्टोरेंट फूड चेन पे काम किया, तो उसका नज़र भी आ रहा है कि आपको जो खाना सर्व कर रहे हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। यानी कि एक प्लेट दे दी बस नहीं, हर चीज़ अलग अलग दी है ताकि आपको खाने में मज़ा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला चम्मच दाल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है बनी हुई, और जो घर में बनती है वही टेक्स्चर है उसका। बाखुदा मज़ा आ गया, मतलब लिटरली, यानी प्रॉपर तरीके से घर का जायका है और जायका बहुत मज़े का है। यानी दाल और चावलों का जो मिक्सर हो रहा है बेहतरीन है। ये नहीं किसी की मदद करने के लिए आए आप, नहीं, जायका बहुत अच्छा है इसलिए आए यहाँ पर खाने के लिए। बहुत बहुत मज़े की भाई। तो देखिए रायता है, सैलेड है, मैं प्याज वगैरह दे देती हूँ और अचार है, अचार के साथ भी खाते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल। अच्छा अचार भी सही है, अच्छा है, लेकिन अगर आप अचार नहीं भी डालो, प्याज ना भी डालो ना, तो मसला नहीं है क्योंकि उसका अपना जायका इतना अच्छा है। अच्छा जी, एक और चीज़ हमारी डिश आ गई, ये आ गए कोफ्ते। तो कोफ्ते भी खाएंगे और ये भी खाते हैं, और कोफ्ते भी देखें, वो मैं वही बात के जो इनका प्रेजेंट करने का स्टाइल है, जो प्रेजेंटेशन है इनकी, वो बहुत आला है। ये देखें जी, जबरदस्त तरीके से रोटी, प्याज, अचार, यानी एक तरीके से जो कहते हैं ना आप किसी को सर्व कर रहे हो, तो इस तरीके से करो कि उसको देखने में मज़ा आए कि आप उसको अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हो। अच्छा मैंने है ना ये पापड़ी वाले दाल चावल नर्सरी पर भी खाए थे, लेकिन उसमें पापड़ी मज़ा नहीं कर रही थी, इसमें बाकी मज़ा कर रही है। अच्छा जी, ये है कोफ्ते। अभी देखें, एक तो गोश्त माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है, बेहतरीन। ये देखें, प्रॉपर कुक लग रहा है, देखने में अच्छा है, और कोफ्ते का सालन ये। अरे मुझे कोफ्ते वैसे ही बहुत पसंद है, मगर ये जायका बहुत अच्छा बने हुए हैं यार, लिटरली घर की याद आ जाती है अब खाना खाते हुए। वाह जी वाह, बाजी दाल चावल है मगर इनका नाम बाजी कोफ्ते होना चाहिए। कोफ्ते बहुत ज़्यादा मज़े के इनके, दाल चावल तो है ही अच्छे और कोफ्ते भी बहुत अच्छे हैं। कोफ्ते की प्लेट कितने की आपकी फुल? कोफ्ते की अच्छा जी, ये हाफ है फुल है। अच्छा देखिए जी, ये अच्छा ठीक है,
अच्छा ये फुल है, इसमें हमने ग्रेवी कम लगवाई है, ठीक है। ये 200 रुपए की है, दो कोफ्ते आ जाते हैं, ये बहुत महंगा हो गया आजकल, मगर प्रॉपर तरीके से कुक्ड है और घर का जायका मिलता है, प्रॉपर मसाले हैं अच्छे तरीके से, कंप्लीट मील है, यानी आप खाते हो आपको मज़ा आता है, हर बाइट के बाद दूसरा बाइट लेने को दिल चाहता है। वाह, ये प्याज वगैरह, ये अचार, कोई ज़रूरत नहीं इनकी अचार की, प्याज की, क्योंकि जायका इसमें खुद इतना अच्छा सालन के अंदर, इतना जानदार है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है कोफ्ते आलू का। वाह जी वाह, तो भाई मैं तो ख़त्म करने लगा हूँ पूरा, तो आप सबसे यही है कि यहाँ पर आएँ, ये बिल्कुल मिलेनियम मॉल के सामने अपोजिट है, चिंची रिक्शा स्टैंड कहलाता है, वहाँ पर ये खड़ी हैं, और आप आएँ यहाँ पर, अपनी गूगल लोकेशन भी डाल देंगे, और यहाँ पर आएँ ना सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बल्कि खाने के लिए आएँ, जायका बहुत अच्छा है, नहीं आसपास के लोग तो रोज़ाना मंगवा सकते हैं इनसे। तो जी अल्लाह हाफिज़।